करना है, बाकी पार्टीज को किसने देखना है। तो आपस में अपनी लड़ाइयाँ छोड़े, आप लोग मिलके रहें। अभी मुझ पर टाइम है, खान साहब जेल में है, अभी तक हम लोग जेलों में है यार। पहले हम लोग बाहर तो आ जाए, फिर आप लोग आपस में लड़ लेना, फिर हम दूसरी पार्टियों से लड़ेंगे। आपस में जो आप लोगों का चल रहा है, अगर आपस में लड़ते रहना है तो फिर नून लीग को किसने काउंटर करना है, बाकी पार्टीज को किसने देखना है। तो आपस में अपनी लड़ाइयाँ छोड़े, आप लोग मिलके रहें। अभी मुझ पर टाइम है, खान साहब जेल में है, अभी तक हम लोग जेलों में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे जनाब सनम जवेद साहब, जो भी जेल में उनके आपने चेहरे से देख लिया होगा, वो चुलबुल पांडे बिल्कुल है। और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर में तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है किसी को कैद कर दें, लेकिन उसके अजम मजबूत है। वो हरामी हो, पिल्लो, वो गंदी नस्ल के बंदो जो बाहर हैं, इसी बच्ची की मान लो, अगर नहीं मानते तो इसी की मान लो, आपस में लड़ते रहते हो वगैरह वगैरह। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं, आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान, ते मैं गजे कुर्बान ते गजे इमरान खान। अच्छा सवाल है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हमारे ऑफिशियली जो हमारे यहाँ पे हमारा जो मीडिया है वो हमें सपोर्ट करे इस चीज में, हमारी आवाज वहां पहुंचाने में। हम तो इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे हर तक इनके साथ, इस चीज के लिए, हक के लिए। बात यह है कि जी जमीन मेरे लोगों की, सुबह हमारा पानी हम पहुंचाते हैं, डिपार्टमेंट हमारा, तनख्वाहें हम दें, पेंशन हम दें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हम हल करेंगे, वो लोग आराम से कश्तकारी कर सके। मेरे सूबे से 300 अरब रुपया तंबाकू का फेडरल गवर्नमेंट कमा रही है और मुझे दे रही है 5 रुपए किलो उसपे। क्यों, मैं कोई भिखारी हूँ या मेरे लोग भिखारी है? जो आपका GST बनता है 17% है, 21% है, आप बैठे, आप ले, हमें कोई एतराज नहीं है। वो भी पाकिस्तान पे लग रहा है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि सारा पैसा आप ले जाओ और मुझे जो है 5 रुपए किलो तो काबिले कबूली मैं से बैठूंगा। इस दफा ये पैसा इनको नहीं मिलेगा, GST मिलेगा, बाकी पैसा मेरे सूबे पे लगेगा। ये आपने सुन लिया जनाब, बेलिए हमारे दीदा दलेर CM साहब, कोर कमांडर से मेरे ख्याल कोई दिन खाली होता है जो नहीं मिलते। लेकिन चलो, बड़क तो मारी है ना, बाकी रामी पिल्लो देख लो। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर है, उसका पहले ये ब्रेकिंग न्यूज़, जिस तरह बाजवे का इंटरव्यू नहीं, शायद मतेला ने, जुवेद चौधरी ने मुख्तलिफ जगह पे बातें चीते करते, चाय शाय पीते वगैरह वगैरह करके किया था, वैसे ही ये मुख्तलिफ जोड़ कर बनाएगा, आपको पता लग जाएगा। उससे पहले जो है ना, आपको ये कर लें, बात बता दी जाए, एक मेजर जनरल की 46वें नंबर पे एक बंदा मेजर जनरल की सीट पे, मोहम्मद शबाब तबस्सम, अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, आपको याद होएगा, ये 4th फ्लोर पे बैठाया हुआ, ये ISI में है। और इसकी जो ओरिजिन है, ये बेस, जब ये लेफ्टिनेंट था या कैप्टन था, ये जो था, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा, इसको वहां पे डायरेक्टर जनरल क्रॉस, मतलब मुल्क से बाहर भी ये काम करता, उसके ऊपर गवर्नमेंट चलाने का भी डाल दिया, बड़ा वैल्यूएबल है, बड़ा लोग खुश नहीं है, 25-30 आ जाता है फिर भी खुश नहीं है, 25-30 करोड़ आ जाता है फिर भी खुश नहीं है वो, चलो कोई बात नहीं। एक और बंदा आएगा जी जनाब, अली आपको बताते हैं, 58 नंबर पे अख्तम फूसी वाजिद अजीज, ये पंजाब रेजिमेंट से आए, आम सी है, टैंकों नूं पेच कस दिता, तोपा नूं तेल लगा दिता, उसका तेल तब्दील कर लिया, घरवाली का कर लिया बनाना टपकाना, इसको लगाया हुआ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस, अनलिमिटेड ही होता है, बस 50 का कट लेता बड़े आराम से। और भाई जो ये मैं बात करता हूँ तो मेरी ये लाखों में नहीं होती, ये करोड़ों में हमेशा होती है, या उससे ऊपर की बात, बार बार ना मुझसे पूछा करो, वो तुम 50 क्या सी तो की, करोड़ क्या सी, लाख क्या सी, करोड़ से बस मेरी बात शुरू होती, करोड़। अच्छा जी, वाजिद अजीज पंजाब रेजिमेंट से आए हैं, ठीक है जी, ये उधर ही भर्ती हुए, तलीम इनकी दोनों की जो ना FA है, जो कॉलेज की नहीं, FA से ही अगर वो जो छोटा मोटा शायद वाज माय फ्रेंड नाउ ही इज डाइड फलाना है जी, छुट्टी की दरख्वास्त ही लिख सकते, लेकिन उसके बाद इनकी कैपेबिलिटी या इनकी ट्रेनिंग अपनी जो फील्ड में जिन्होंने चॉइस की होती वहां पे चली जाती है। इनका आपस में इट कुत्ते का वैर है, तो यहाँ से खबरें निकलते हैं, ये आपको सोर्स बता दिया। कर्नल साहब टेन वाली बजे हो ना, ठीक लगे रहो। अच्छा हाँ जी,
वो कर्नल साहब नु कहते हैं, उन्होंने क्या बड़े बड़े पीछे पीछे लगते हैं। अच्छा जी, नवाज शरीफ पिछले दिनों जब गया तो उसका साइफर साइफर गया क्या, बस एवं इन्होंने बाहर रखा, वो तो तंग कर रहा था, इन्होंने कहा चल जा फिर बाहर, फिर गया अपने कारोबार सेट कर वगैरह वगैरह, तो वो फिर जुनेद लेके चला गया, तो फलाना धमकाना। अगले में आपको बताएंगे नवाज शरीफ का हांगकांग में जो इस्तकबाल किया गया ना, वहाँ पे छा गए हैं बंदे, हांगकांग वाले हो छा गए हो तुम। अच्छा जी, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं मिल गया तो वो आपको दिखाया जाएगा कि क्या क्या वहाँ हो रहा है हांगकांग में, उसका किस तरह इस्तकबाल हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर मिल गया छेती कीते तो बता देंगे आपको। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो वो अगली उसमें किस्त में बताएंगे जो हमारा चलेगा। अच्छा जी, हांगकांग में अत अत खुदा दा वैर करते था। अच्छा जी, लिखे गए खबर यहाँ से लीक हुई जी, ये जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो वाजिद साहब हैं, इन्होंने दो इंटरव्यू किए। शुरू हो गई जो ब्रेकिंग न्यूज लागे आ जाओ, ज्यादा कुट भरना तो फेर लो, मैं भी पहला किसी ने कहा था कि तुसी भी पंजाबी भी इलाज करया करो जी, डॉक्टर गिल की तरह, शहबाज गिल की तरह। वो भाई वो पढ़ा लिखा बंदा, उसको पंजाबी आती, मैं तो मेरे तो मादरी जुबान भी पंजाबी नहीं है, तो मैं कहाँ से पंजाबी बोलूँगा, फिर ऐसे गाला गुला ही कर सकना। अच्छा जी, वो वहाँ से लिखा गया जी, जो वाजिद साहब हैं इन्होंने दो बंदों के इंटरव्यू किए हैं वजीर आजम के लिए। वजीर आजम तो लगा, डिप्टी वजीर आजम भी लग गया, राणा को भी झंडे वाली कार मिल गई है, अरफान कादर को भी मिल गई, जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ किस तरह का पंखा इसको रखना चाहिए, लेकिन है नहीं सुनता। कल इसने कहा कि सिर्फ हलीमा बाजी जो कहेगी ना वो मेरी स्टेटमेंट होगी, ये भी नको नक हो गया। मैं पहले ही आपको कहता था कि यार वो देखो आ गया, ट्वीट पिन किया हुआ उन्होंने, उसमें क्या कोई किसी ने किससे भी बातचीत करूँगा, मैं खुद करूँगा, किसी को अख्तियार नहीं दिया ना, ये गंडापुर को तो ना गुंडापुर को तो ना बोडापुर को तो ना किसी को। अच्छा जी, वो अगले जो आएंगे ना तड़का यकम ही है तो वेले ही आ जाए, आपको बार बार तंग करेंगे। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, उन्होंने कहा दो वजीर आजमों के इंटरव्यू हुए जी, एक हुआ जी वो जिसकी पुप्पो भाग गई थी 16 साल की उम्र में, जनरल युग के पोतरे का बगैरत है, मैं इस तरह ही पुनूंगा इनको सही तरह, वजीर आजम के लिए इंटरव्यू हुआ है, इसने किया, मैं बंदे का नाम भी बता रहा हूँ किसने किया है। ये मुख्तलिफ अम्बेसियों ने साइफर लिख के अपने मुल्कों को भेजे, मेरे मुझे को बीटी नहीं आई जी, आप बीटी था आप जिसको कहते। दूसरा ये बरिस्टर अली गौर के गौर अली क्या, इसका इंटरव्यू है वजीर आजम, क्यों कि वो आखिर पे तो केस ख़त्म होना ही है ना, कल माने का आ गया नहीं जी तेरे पे एतमाद नहीं तो फलाना टमकाना, तो वो जज ने कहा मैं किसी की नहीं सुनता खुनता नहीं, तो कल फैसला करता ना, पहले दबा लिया फिर पूछा उन बड़े घर वाले से क्या करना है, चलो जी 7-8 दिन की तारीख पा दो, तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, कल नया वकील आएगा जब 7 तारीख को, तो इसने तो पहले भी कहा था कि मैं फैसला करांगा जी बेफिक्र होकर करांगा, अब मैं कर दूंगा आर्गूमेंट ना की तो कर दूंगा, चला ना महीना हो गया ना लेट हुए, ये उस वक्त आ गया। इससे जाहिर हुआ कि जो उधर ट्रायल हो रहा है उसकी सजा हो जाएगी अगले 7 दिनों में, फिर उसमें से पकड़ लेंगे तो इसमें से बरी कर देंगे। अच्छा जी, उसमें भी दोनों के चल रहा है 190 मिलियन पाउंड में, तो बुशरा बीबी के लिए ये हो रहा था ना, तो उस केस में अंदर कर लेंगे, इसमें से रिलीज कर देंगे। बात ये हो रही थी कहते वो झूठा या अल्लाह क़यामत क्यों नहीं आई, लाहौर हाई कोर्ट के जजों ने लिखा ओवरऑल तो हमें कोई किसी का सामना नहीं है, हमें किसी ने दबाव में नहीं रखा, वो बगैरत नजफी वो तुझे 50 रुपये का स्टाम्प पेपर तेरे बाप ने आके दिलवाया था, किसने वहाँ बैठ के कहा था रिपोर्टा आ जाएंगे तू ऑर्डर कर दे बस, तो उन्हें ऑर्डर करके रिपोर्टें अगले दिन गई थी मेडिकल, झूठ बोलने पर इसी वजह से अजाब अवाम के ऊपर आया। वो इंटरव्यू इनके हो चुके किस वजह से कि जी अगर डीलिंग हो जाए इसको तो अभी अंदर ही रखना है ना, और इसने खुद भी कह दिया कि बेशक मुझे अंदर 7 साल रख लो, मुझे 9 साल रख लो, भावे जितनी मर्जी
100 साल रख लो, मेरे मरने तक रख लो, बंदे सारे छोड़े, इसने अपनी खुद जुबान से कहा। अच्छा जी, वो इसी वजह से दो तीन गेमें चल रही होते हैं। फजल रहमान को भी कहाँ पे कहता मैंने लॉन्ग मार्च करना, फिर आके असेंबली में पहुंचा, फिर 2 तारीख को यकम तारीख को कराची में भी है कल या आज। अच्छा जी, फिर अब क्योंकि ये अंदर आ गया, इसका एक ही मुतालबा है मुल्क, क्योंकि बहुत शदीद परेशान है मुल्क, तमाम के तमाम 100% बंदे 25 करोड़ के 25 करोड़ परेशान हैं। आर्मी चीफ भी परेशान है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल परेशान है, गवर्नमेंट वाले अपने परेशान हैं, अपोजिशन अपनी परेशान है, ये अपना परेशान है, तो ये कहीं ना कहीं तो जाके ये करनी है ना, ये मुकनी है ना। इस वजह से उन्होंने इंटरव्यू कर दिया कि ये तो है अंदर, चलो इनको 45 फार्म 45 के तहत गवर्नमेंट दे भी दें, फिर वो अपोजिशन में आ जाएंगे, लेकिन इसको संभाल लेंगे ये गवर्नमेंट। टैक्सेस तो ये किस तरह चलाएगा मुल्क बताए ना। अगर वो फराना कहता मैं तनख्वाह नहीं लेनी, तो उन्हें पाउडर में से इतना कमाया हुआ, झंडे वाली कार के आगे 2 डाले पीछे 2 डाले, वो उसमें मूत्र डालना, उसमें क्या चीज डालनी। फिर इरफान के अंदर में भी वो सदर जरदारी ने अपना रख लिया, उसके आगे भी डाले तो पीछे डाले तो झंडे वाली कारें किससे चलती, धूप से चलती, सोलर से, सोलर पे भी 2000 टैक्स लगा दिया। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, इसको जो इसको अंदर रख के करेंगे जब तक इलेक्शन करेगा, 2 साल तक जो नया फार्मूला इन्होंने भाई लिख के भेजा, मैं नहीं जाएगा कर्नल साहब टीनल बजे रहो, मैंने जो भेजा वो मैंने साइफर डी कोड करवाया है बड़े लंबे हाथ ने, उसमें कहा कि 2 साल तक इसी कुमरकेरी में रहेगा, बाहर भी आ जाएगा तो इलेक्शन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन तो फिर ही है ना, वैसे तो ऊपर से तक असम्बली में नहीं आ जाएगा, बाकी बाहर बैठ के चेयरमैनशिप करता रहे वगैरह वगैरह, काजी साहब को एक्सटेंशन मिल ही जानी है, इसी गवर्नमेंट से मिलेगी, और फिर काजी जाने तो ये जाने, ये दोनों मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन हैं। तो ये मेन बात थी कि वजीर आजम के लिए इंटरव्यू हो चुके हैं। आपका अगर दिमाग मैंने खाया हो, दिमाग का दही बनाया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अपने फीडबैक के मंतजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।